सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जबरदस्त से करेले कीमा बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। और इंग्रेडिएंट बताने से पहले आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि हमने एक और जो है वी लॉगिंग चैनल राना दील अहमद के नाम से स्टार्ट किया है। जिस तरह मेरे दूसरे चैनल्स को आपने अपना सपोर्ट दिया, अपना लव दिया, उसी तरह आप मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट और अपना लव जरूर दीजिए। इस चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो के लास्ट पर भी आप लिंक देख सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि कौन से इंग्रीडियंट्स हैं जो हमें कीमा करेले बनाने के लिए दरकार होंगे। कि मैंने आधा किलो से 500 ग्राम से, ये ऑलमोस्ट 600 ग्राम्स है, 500 ग्राम्स हो तो हाफ के जी बनता है, मैंने ये मटन माइस लिया है जिसे हम मटन का कीमा कहते हैं, बकरे का कीमा है आधा किलो, आधा किलो प्याज है जिसको मैंने इस तरह बारीक बारीक हंडिया वाला काट लिया है। इसके बाद जो है वो हमारे पास हमने करेले ले लिए हैं आधा किलो, जिसको मैंने छील कर काट लिए और ये कुछ इस शेप में मैंने इसकी कटिंग की है। इसके बाद हमने हाफ प्याली जो है वो दही का इस्तेमाल करना है, एक टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें, मैंने तीन ली हैं, आप चार पांच जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से या जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके बाद मैंने एक चम्मच अनारदाना लिया है, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक हसबे जरूरत मैं हाफ चम्मच लूंगी। इसके बाद हमने एक टेबलस्पून जो हमारा सूखा धनिया पाउडर है वो लिया है और एक चम्मच ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि इन जो कीमा करेले हैं इसको किस तरह बनाते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमने एक कुकर लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक कुकर लेंगे, कुकर के अंदर मैं ये कीमा ऐड कर रही हूं। ये थोड़े से तकरीबन एक जो प्याज इतना है दरमियानी साइज की वो हम प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे, बाकी ये जो बचा हुआ है ये हम नेक्स्ट फ्राई के लिए इस्तेमाल करेंगे जब इसमें करेले ऐड करेंगे। सुर्ख मिर्च जाएगी इसके अंदर, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, नमक और इसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, अभी याद रहे कि ना मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, ना मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया, ना ही मैंने अनारदाने का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये हमने तब डालने हैं जब हमने इसको भूनना है, कीमे को और प्याजों को और साथ में करेलों को। ये देखें जी, एक ग्लास के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूं। अब हम इसको वेट लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसको बंद कर दिया, अब मैं इसको चूल्हे पर रखती हूं। तकरीबन तीन सीटियों बाद और 15 मिनट्स बाद हम जो है वो अपना कुकर ओपन करेंगे जब तक कीमा अच्छे से गल चुके होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम ये है कि अब हमने करेलों को जो है वो फ्राई करना है सेपरेट से। चलिए अब पैन में करेलों को गोल्डन करते हैं। ये देखें जी, अब मैंने एक पैन ले लिया, पैन के अंदर हम हल्का सा ऑयल शामिल करने वाले हैं, तकरीबन तीन से चार खाने के चम्मच जो हैं वो हमने ऑयल लिया है। ये करेले ऐड करके इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए बस इस तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है, साथ ही में हल्का सा एक पिंच जिसको हम चुटकी कहते हैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, इससे जो करेलों का तूश है या कड़वा पान है वो नमक की वजह से खत्म हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल एक पिंच के करीब जो है वो मैंने नमक का इस्तेमाल किया है।
बस इस तरह हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई करेंगे। ये देखें जी, हमारे जो करेले हैं वो हमने ब्राउन कर लिए हैं और अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। अब हम इसको उतार के कर लेंगे साइड पर और चलिए देखते हैं कि कीमा जो है वो हमारा तैयार हुआ है या नहीं। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम कुकर खोल कर देखते हैं। ये इस तरह बिल्कुल जो है कीमा वो खुश्क हो चुका है। ये देखें, मैं अब आपको हिला कर दिखाती हूँ, कीमा बिल्कुल खुश्क हो गया और अब हमारा जो कीमा वो गल चुका है। अब जो है हमने फ्राई किए हुए इसके अंदर करेले शामिल करने हैं, विद ऑयल शामिल कर दिया है। ये देखें, अब हमने इसके अंदर प्याज भी डाल दिए हैं, कीमा, करेले, टमाटर ऐड करने वाली हूँ। ये मैंने टमाटर ऐड किया है, साथ में हम ये अनारदाना ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से जो है वो हम मिक्स करेंगे। ये भूनते ही भूनते हमारे जो है वो प्याज भी गल जाएंगे और टमाटर भी, और दही जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। याद रहे कि हमने दोबारा ऑयल नहीं डाला, जिस ऑयल में हमने करेले फ्राई किए थे बस वही ऑयल हमने इसमें शामिल किया। अगर आपको ये कम लगेगा तो आप मज़ीद ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, फिल वक्त मुझे ज़रूरत नहीं है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो सालन है वो पककर तैयार हो चुका है, इसने घी छोड़ दिया। अब जो है हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने करेले कीमा को डिश आउट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको हरी मिर्च के साथ गार्निश करूंगी। आप चाहे तो हरे धनिया के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसको घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये डिश कैसी लगी। जाने से पहले आपको फिर से कि हमने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है, राना दील अहमद के नाम से वीलॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, उसको भी सपोर्ट करें जिस तरह आपने मेरे बाकी तमाम चैनल्स को सपोर्ट किया। मेरी वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।